हाय स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। आज हमें पढ़ना है आपका पहला अभ्यास जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में पूछे जाने वाले जो आपके प्रश्न होते हैं, ठीक है। आपका जो अंकगणित का पेपर होता है उसमें से जो आपका पहला चैप्टर है, ठीक है, जो आपका पहला चैप्टर है उस चैप्टर को हम आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं और शानदार रूप से पढ़ते हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए, ठीक है। इसको इसमें क्या करने हैं, हम संख्या के बारे में जानेंगे, संख्या कैसे कहते हैं और संख्याएं आपकी जो संख्या के प्रकार हैं, हरी संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, असम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्णांक, ये सब संख्याओं को हम आज धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे कंटिन्यू हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे और सभी चैप्टरों को हम धीरे धीरे एक करके पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आज हम अंकगणित में जो पूछा जाता है क्वेश्चन, पहले उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले क्या है आपका संख्या पद्धति और संख्या, ठीक है, यानी कि कोई भी संख्या आपका, ठीक है, ध्वनि है, जैसे क्या है, हम जो ध्वनि बोलते हैं तो उसको गणितीय रूप में लिखने के लिए, ठीक है, जैसे क्या है, किसी भी हम गणित को हम जब बोलते हैं तो उसको गणितीय रूप में लिखने के लिए जिस अक्षर का, ठीक है, या जिन चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, ठीक है, गणितीय रूप में प्रदर्शित करने के लिए। अब इन संख्याओं को, ठीक है, अब इन संख्याओं को जो हम लिखते हैं उसको अंकों में लिखते हैं, तो अंक आपके कितने होते हैं, 10 अंक होते हैं, ठीक है। अंकों की संख्या कितनी होती है, अंक जो होते हैं, अंक आपके 10 होते हैं। ये 10 जो अंक होते हैं, सबसे छोटा पहला अंक 1 होता है, उसके बाद 2, 1 0 होगा, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने हमारे अंक होते हैं, अंक कितने होते हैं, अंक हमारे होते हैं 10, ठीक है। और कहाँ से प्रारंभ होते हैं, 0 से प्रारंभ होगा, 1, 2, 0 होगा, 1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ऐसे करते करते हम चले जाएंगे, हमारे अंक बन जाते हैं। अब इन्हीं अंकों से मिला करके हम क्या बनाते हैं, संख्या बनाते हैं। इन अंकों से मिलकर के क्या बनती है, आपकी संख्या बनती है। अब हमें क्या करना है, अगर दो अंकों की, ये भी क्या है, ये आपका अंक है, अंक के साथ साथ इसे एक अंक की संख्या भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, एक अंक की संख्या। ऐसे दो अंक की संख्या हमें बनानी है, दो अंक की संख्या के बारे में अगर बात करें, दो अंक की अगर संख्या आपको बनाना है, जैसे 3 और 2 लिख दें, ये क्या है, दो अंकों की क्या है, एक संख्या है, पूरी क्या है, एक संख्या है, ये पूरा एक संख्या है, इसमें ये क्या है आपका अंक है, ये भी क्या है आपका अंक है, ये दो अंक से मिल करके बनी हुई है संख्या है, ठीक है। ऐसे क्या है, अगर 3 अंक की संख्या बोले तो आपका ए, हम तीनों को एक साथ लिख देते हैं, तो ये आपके क्या है, पूरी एक संख्या है, ठीक है, पूरी क्या है, एक संख्या है, और ये सब क्या है आपके अंक है, ये अंक ये हो गया, ये भी आपका अंक है और ये भी आपका अंक है, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, ठीक है, अंकों को मिला करके हम बना क्या बना देते हैं, अंकों को मिला करके हम संख्या बना देते हैं, ठीक है। जो भी आपकी संख्या बनानी है, चाहे 2 अंक की संख्या बनानी है, चाहे 3 अंक की संख्या बनानी है, इस तरह हम अंकों की संख्या बना सकते हैं। संख्या आपका 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक जितनी भी अंक का बनाना चाहे उतने अंक का हम संख्या बना सकते हैं, ठीक है। अब संख्या बनाने के लिए आपकी संख्या हो गई, अब हमें क्या करना है, एक एक करके पढ़ना है आपके आपकी प्राकृतिक संख्याएं, अर्थात नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, उसके बाद पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, अर्थात होल नंबर किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, एक एक करके हम क्या करते हैं, हम पढ़ते चलते हैं। संख्या जो आपके संख्या के प्रकार हैं उसमें से हम आप पहले पढ़ेंगे, ठीक है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला नंबर डालते हैं क्या, प्राकृतिक संख्या, आपका प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या इसे क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, नेचुरल, नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक, नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, ठीक है, वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इस तरह भी कह सकते हैं, या दूसरे तरह से कहें, गिनती की सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, गिनती की सभी संख्याओं, सिंपल क्या कहते हैं, गिनती हम 1 से प्रारंभ करते हैं, 0 से नहीं, गिनती की सभी संख्याओं को, सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या फिर दूसरे तरह से अगर लिखना चाहें, ठीक है, वह संख्या जो 1 से प्रारंभ
होती है तथा क्या, तथा अनंत तक जाती है। कहाँ तक? अनंत तक जाती है। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब ये आपके प्राकृतिक संख्या, जैसे एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, जैसे एक हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, छः, आपका सात हो गया, डेढ़ डेढ़ से आपका दस आएगा, पंद्रह आएगा, बीस भी आएगा, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस करते हुए सब आएंगे, 101, 102, 1001, 1005, 1010, 101, सब करते करते कहाँ तक जाएंगे? हम अनंत तक जा देते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं हम? प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर। गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा हमारा संख्या क्या होता है। दूसरा आपको जो संख्या होता है वो आपकी पूर्ण संख्या होता है। क्या संख्या? पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर। होल नंबर, अब होल नंबर के बारे में समझते हैं। वह संख्या अब क्या है? जब प्राकृतिक संख्या में, ठीक है, जीरो को भी जोड़ लें। अब यहाँ पर ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी अब स्वरूप ले लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? आपके कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी ऐड कर लिया जाता है अर्थात जोड़ लिया जाता है। जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी जोड़ लेते हैं तो ऐसी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। कि कौन सी संख्या को? जब प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी हम साथ ले लेते हैं तब ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये n बराबर होता है, इसे n बराबर भी लिखते हैं। ठीक, ये आपके एग्जांपल, इसके जैसे समझो, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? पूर्ण संख्या के, पूर्ण संख्या के एग्जांपल आप बता सकते हैं। जैसे जैसे आपका हो जाए, आपका जीरो को भी जोड़ लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, ये क्रम से आते जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे? ये आपके अनंत तक जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या नाम देते हैं? ऐसी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद आपका तीसरा नंबर आता है पूर्णांक संख्या। क्या? पूर्णांक संख्याएं अर्थात इंटीजर कहते हैं। इंटीजर नंबर, ठीक। अब इसे कहते हैं पूर्णांक संख्या, किसे कहते हैं? अब पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? अब वह संख्या, ठीक है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक मान के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं भी हों और उसमें जीरो को भी जोड़ लेते हैं तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसमें प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक मान, प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान और जीरो को भी जोड़ देते हैं ऐसी संख्या को हम क्या नाम देते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसमें प्राकृतिक संख्या के धनात्मक मान तथा ऋणात्मक मान तथा ऋणात्मक मान के साथ साथ शून्य को भी, किसको? शून्य को भी जोड़ देते हैं ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? ऐसी संख्या को
पूर्णांक कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझो इसके बारे में, जैसे प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक मान, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 10-10 करते हुए कहाँ तक, इनफाइनाइट 10+ में चला गया। ठीक, इसमें जीरो को भी ले लेते हैं और -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे करते करते इधर भी अंत तक चले जाते हैं। ठीक है, जब क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक मान और प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान, अर्थात ये प्राकृतिक संख्याओं धनात्मक मान है यानी कि इंटीजर है, इंटीजर को आई से प्रदर्शित करते हैं, आई प्लस हो जाएंगे, इधर क्या हो जाएंगे आपके आई जो है निगेटिव हो जाएंगे, अब आपका जीरो भी इसमें होता है। ठीक है, जीरो भी होगा और आपके धनात्मक मान भी होंगे और प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान भी होंगे। और अगर थोड़ा सा हम अंदर के बारे में समझना चाहें, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं आपके पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो इसमें जितने भी प्राकृतिक संख्याएं सब इसमें हैं। ठीक, एक भी आपका पूर्ण संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या भी है। ठीक है, दो भी आपकी प्राकृतिक संख्या है, उसके साथ पूर्ण भी है, तीन प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण भी है, पाँच क्या है, प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी, अर्थात जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सब क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन जितने पूर्ण संख्याएं होते हैं सब प्राकृतिक संख्याएं नहीं होते हैं, क्योंकि जीरो आपका क्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, दूसरे क्या कह सकते हैं, सभी पूर्णांक जो पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक होते हैं, सभी पूर्ण संख्याएं क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, क्योंकि सभी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती, सभी पूर्णांक जो होते हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें, ठीक है, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में माइनस वाली संख्याएं भी आती हैं, इसलिए, और पूर्ण संख्याओं में माइनस नहीं आते हैं, इसलिए सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। और ये भी कह सकते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। तो इस प्रकार हम क्या कहते हैं, आज संख्या के बारे में सीखे, उसके बाद संख्या किसे कहते हैं, अंक किसे कहते हैं, और क्या है आपके जो संख्याओं के प्रकार हैं, संख्याओं के प्रकार में आप प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और आपका पूर्णांक संख्या, ये तीन प्रकार की संख्याएं हम लोग देख लिए। ठीक है, अब इन तीनों संख्याओं के बाद हम लोग देखेंगे आगे चल करके, ठीक है, सम संख्या किसे, विषम संख्या, ठीक है, भाज्य अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, और उसके बाद आपके जो रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं, उसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे और इसको निकालने के तरीके भी थोड़े थोड़े हम जानेंगे। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी सबसे बड़ी, तो अब सब चीज़ें हम क्या है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपको क्या करना है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ताकि नेक्स्ट क्लास में वो आपको जब पढ़ाया जाए तो आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो इसको क्या करो, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना अलग टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद। ठीक है।